नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज है तारीख 7 जनवरी 2021। इस वीडियो में देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अमित केसरवानी को। तो देखिए, डॉक्टर अमित केसरवानी को यह अवार्ड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर अमृत केसरीवानी को यह अवार्ड कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान, पब्लिकेशंस और छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर बनाए गए पेज एग्री मैटर्स के लिए सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 डॉक्टर अमित केसरवानी को मिला है। बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में बता चुका हूं पिछले दिनों में, तो वह मैं आपको आज रिविजन करा दूंगा अंत में। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हुआ, यह किस खेल से संबंधित है? सही जवाब, राष्ट्रीय खेल हॉकी से। तो देखिए, वर्ष 1975 में हॉकी विश्व कप में भारत को जीत दिलाने वाले माइकल किंडो का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि माइकल किंडो हॉकी खेल से संबंधित है और माइकल किंडो वर्ष 1975 के हॉकी विश्व कप में भारत को जिताने में अहम रोल निभाए थे। अगला प्रश्न है, गो ग्रीन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल अग्रवाल को। नंदलाल अग्रवाल को गो ग्रीन अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? टाटा कंपनी ने। तो देखिए, टाटा कंपनी ने हरित क्रांति क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नंदलाल अग्रवाल को गो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है और नंदलाल अग्रवाल ने 5,000 ग्राहकों को एक एक पौधा दिए और प्रत्येक घर में जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगवाया है और सोलर लाइट के लिए ग्राहकों को प्रेरित किया, जिसके उपलक्ष्य में गो ग्रीन अवार्ड से नंदलाल अग्रवाल को सम्मानित किया गया है टाटा कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम चौहान। तो देखिए, भारतीय सेना ने पहली बार मानवाधिकार मुद्दे पर गौर करने और बल बल मतलब सेना, सेना मतलब आर्मी, आर्मी के ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए एक प्रमुख मेजर रैंक के अधिकारी गौतम चौहान की नियुक्ति की है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख गौतम चौहान बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर एलिस को। तो देखिए, अलेक्जेंडर एलिस जो कि इंडिया में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ये किसकी जगह लेंगे? तो अलेक्जेंडर एलिस जो है फिलिप बार्टन की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्वेता झा। तो देखिए, श्वेता झा को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिंगापुर डिवीजन की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सिंगापुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल वो एकमात्र भारतीय थी जिन्होंने चीन, हांगकांग और सिंगापुर की 31 सेमी फाइनलिस्ट और 21 फाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार श्वेता झा को मिला है और उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सिंगापुर के माध्यम से। यहाँ पे अवार्ड्स की कई सारी क्वेश्चंस पूछा गया है, बताया मैंने, और पिछले दिनों भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था कि रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 किसे मिला है? रवीश रंजन शुक्ला को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 किसे मिला है? पंडित सतीश व्यास को। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसे मिला है? हेमंत पांडे को। आईसीसी स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे मिला है? भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान MS धोनी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है?
धनुष और मोहनलाल को, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है धनुष और मोहनलाल। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसे मिला है? कपिलो पंचायत को। कपिलो पंचायत कहाँ है? झारखंड में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब्दुल लतीफ गनई को। गो ग्रीन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नंदलाल अग्रवाल को, ये मैंने आपको पीछे बताया था। और उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार जो कि सिंगापुर के द्वारा दिया जाता है, ये पाने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? श्वेता झा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे मिला? डॉक्टर अमित केसरवानी को। अगला प्रश्न है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सांची। तो देखिए आप लोग इतिहास में बहुत सारे पढ़े होंगे सांची सांची सांची। सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो देखिए बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात सांची में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जम्बू द्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क का निर्माण पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे देश का पहला की बात हो रही है, तो देश का कई सारे पहला क्वेश्चन तैयार हो चुका है इन चार पांच दिनों में। जैसे कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। और ये सभी प्रश्न का जवाब उन्हीं लोग दे सकते हैं जो लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला है कि भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात में। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस राज्य में शुरू हुई? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहां बना? मध्य प्रदेश के सांची में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो देखिए केरल सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया और केरल के कोट्टायम और अलाप्पुझा जिलों में एक हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां मुख्य रूप से इस बीमारी का पता चला है और दोनों जिलों के कुछ हिस्सों में मृत बतखों के नमूनों का परीक्षण करने पर राज्य में बर्ड फ्लू का पता चला है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यह बीमारी लोगों में नहीं पहुंची है अभी तक, और भगवान करे लोगों तक ये बीमारी ना पहुंचे तो बेहतर होगा। अब बात हुई है केरल की, तो केरल को आप मैप में देखिए यहाँ पर, और केरल यहाँ पे बड़ा में देख लीजिए। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चीफ जस्टिस केरला हाईकोर्ट के कौन है? एस मनी कुमार। और रेगुलर आप करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आप साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? आर्या राजेंद्रन। ये कहाँ की बनी? तिरुवनंतपुरम की। और केरल राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। केरल में जिलों की संख्या कितनी है? 14। विधानसभा कितना है? 140। राज्यसभा कितना है? 9। और लोकसभा 20 है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। अराविकुलम नेशनल पार्क, शांत घाटी नेशनल पार्क और परामबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कहाँ है? केरल में। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कासरगोड, जो कि केरल में स्थित है। और मुख्य नृत्य केरल की कथकली, मोहिनी अट्टम, थुलाल और काली अट्टम है। और शांत घाटी को आप लोग अवश्य ध्यान रखें, यही ज्यादातर पूछा जाता है, जो कि केरल में है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब पिछले दिन का क्वेश्चंस का आंसर देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब बहुत सारे लोगों ने डिटेल्स में लिखा था और इसका सही जवाब था धनुष और मोहनलाल, ये दो व्यक्ति है और इसे वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और आपको भी ज्यादा जानकारी रहे तो आप फुल डिटेल्स में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न खत्म हो चुका है पिछले दिन का, अब आज का प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर इतिहास रच दिया है? सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फुल डिटेल्स में अगर आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करें डेली स्टडी, या फिर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे, और पीडीएफ का लिंक भी नीचे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करके सपोर्ट करने की कोशिश करें।
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पिछले दिन का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, इसको देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का प्ले लिस्ट यहाँ पे है, इसको भी देख सकते हैं और चैनल यहाँ पे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।